अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, सामने आ जाए। आज हमारे साथ है मिस्टर पंजाब 2021। अभी हमारी लाइव ऑडियंस होती तो हम उनकी तालियां दिखा रहे होते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ हाफिज खालिद भट्ट हैं और इनकी और मेरी हालत देख के आप यही सोच रहे होंगे कि ये आज क्या नाइट सूट में उठ के आ गए। लेकिन हम एक्चुअली अपने एक्सरसाइज गियर में आए हैं क्योंकि खालिद साहब जो हैं वो हमें ऑन एयर सिखाएंगे कि हमने क्या क्या करना है वेट लॉस करने के लिए। दो दिन से हम अनाउंस कर रहे हैं कि आज का हमारा स्पेशल शो होगा वेट लॉस से रिलेटेड। मुझे एक बात बताएं, वेट लॉस की तरफ जाना क्यों जरूरी होता है, हम अपनी जिंदगी को क्यों नहीं सेट कर लेते? बड़ी खूबसूरत बात है जुगन आपकी। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम वेट लॉस की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो इसको भूल जाएं, अपना लाइफस्टाइल बेटर करें। वेट लॉस तो आप सब लोग कर ही सकते हैं, 4 हफ्ते में 8 हफ्ते में 16 हफ्तों में, लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल पे तवज्जो करेंगे तो फॉरएवर आप हेल्दी रहेंगे और खुश रहेंगे। हर बंदे का एक ही रोना और पिटना है, ग्लोबल प्रॉब्लम है जुगन, हमने पतला होना है। हाँ। और जो लोग एक्चुअली वेट नहीं गेन कर पाते उनसे पूछें कि वो कितने कर्व से गुजरते हैं। पतला जो है वो कहता है हमने जरा हेल्दी होना है, जो जरा हेल्दी है वो कहता है मैंने पतला होना है। इंसान खुश नहीं है, खुश नहीं है इन एनी वे। बिल्कुल। और मैं क्योंकि जा चुकी हूँ एक्सट्रीम्स में, बहुत ज्यादा पतली एक जमाने में होगी, कैन यू बिलीव हाफिज साहब मेरा वेट 45 kg था। ओह वाओ। और उसके साथ एक दो मसाइल जरूर हुए थे क्योंकि आप एक ट्रेनर हैं और आप एक एक्सपर्ट हैं इस डिपार्टमेंट में, तो जरा खुल के आपके साथ बात करूंगी। और आपको पता है व्यूअर्स के पूरा एक साल मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई। अगर मैं ये कहूं कि एक पूरा साल मेरी नॉर्मल मेरी साइकिल आई नहीं थी, बात गलत नहीं होगी। और जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम इतनी अंडर वेट हो और तुम्हारे जिस्म में फैट का कॉन्टेंट इतना कम हो चुका है कि तुम्हारे जिस्म जो है वो जवाब देना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सो पतला होना जरूरी नहीं है, हेल्दी होना जरूरी, सेहतमंद होना जरूरी, सेहतमंद होना जरूरी। बट हेल्दी को भी तो एक बुरा वर्ड बना दिया ना। हाँ, हर शादी आजकल शादियों पे कितने लोग गए हैं और किसी ने कहा हाय कितनी हेल्दी हो गई हो, बंदा कहता है मुझे क्या हो गया। अच्छा, ये जो पुरानी आंटियां ना एक्चुअली ये इस तरह का वर्ड बोलती हैं और उनका एक्सेंट ये होता है। नहीं, आंटियां भी बोलती हैं, पुरानी नहीं, दोनों ही बोलती है। बड़ी हेल्दी हो गई, बंदा कहता है यू नो हेल्दी कितना अच्छा वर्ड है कि देखो वो कितनी है, मतलब कितना हेल्दी लाइफस्टाइल है या हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। हमने हेल्दी वर्ड का ही बेड़ा गरक कर दिया व्यूअर्स। किसी को खुश करना हो तो इतना बोल दें बहुत हेल्दी लग रहे हैं तो वो हैप्पी हो जाएगा। बाहर की बात, बाहर की बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ। यहाँ पे तो अगर कहो किसी को कि आप हेल्दी हो गए तो अगले 4 हफ्ते की डिप्रेशन। बिल्कुल। और भूख हड़ताल। अच्छा, वो खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा, खाना पीना छोड़ना। हाँ। इसके ऊपर भी हम आज बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब आपके साथ मैंने एक दफा ऑब्वियसली इनके पास सर के पास मैं गई कंसल्टेशन के लिए और मैंने इनसे जब बात की तो मैंने कहा कि आपका डाइट प्लान जो आप देते हैं वो क्या होता है, मैं हक्का बक्का रह गई। सुबह भी खाना है, दोपहर मतलब उसके बाद ब्रंच या एक स्नैक भी लेना है, उसके बाद आपने लंच भी खाना है, उसके बाद आपने स्नैक लेना है टी टाइम पे जो होता है, और फिर रात को भी आपने खाना खाना है। और ये नहीं कि एक खीरा खा लें और एक पीस टमाटर खा लें, मतलब आप प्रॉपर प्लान देते हैं। बिल्कुल जुगन, अगर आपने देखिए आपने हेल्दी रहना है ना तो फिर आप 6 टाइम खाएं, 6 मील खाएं, 6 दफा। यस, लेकिन आपके पोर्शन बहुत स्मॉल होने चाहिए। अगर आपने स्लिम स्मार्ट होना है तो फिर आप 3 टाइम खाएं। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे क्योंकि देखिए बीइंग मिस्टर पंजाब और अपनी इनकी जो आपकी जो अपनी जिम का भी बताएं कि कहाँ पे है, क्योंकि बॉडी जोन जिम चेन है हमारी, बॉडी जोन के नाम से। कहाँ कहाँ? मॉडल टाउन में, लाहौर में काफी ब्रांचेज है हमारी। कहाँ कहाँ? लेकिन मेन मॉडल टाउन में है, गार्डन टाउन में है, फाल्कन में भी है। फाल्कन में एक्चुअली नहीं है, और उसके बाद वाबला टाउन में है, वलंशिया में है,
उसका नाम हमने थोड़ा चेंज किया हुआ अभी आजकल। उसका नाम क्या है? वर्कआउट फिटनेस। वर्कआउट फिटनेस, यानी ठीक है, आई वांट पीपल टू नो बिकॉज़ मेरा तो उसी के थ्रू आपसे एक इंटरेक्शन हुआ। तो लाहौर में इनकी बहुत सी ब्रांचेस है, बट व्यूअर्स पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहें हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं वर्कआउट करने के लिए। लेकिन राइट बंदा कौन है, इंतखाब किसका आप करें? क्योंकि देखिए, बहुत से लोग अपने आप को फिटनेस ट्रेनर बुलाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को डॉक्टर बुलाते हैं, बहुत से लोग अपने आप को बहुत सी चीज़ें बुलाते हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन नहीं होती। अच्छा जुगन, प्रॉब्लम पता क्या है पाकिस्तान में? ये प्रॉब्लम है कि डॉक्टर को निकाल के ना सभी डॉक्टर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट को निकाल के सभी फिटनेस एक्सपर्ट बने हुए हैं। आप किसी से पूछ लें, आप किसी को बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आपको 10 लोग सोल्यूशन लेकर आ जाएंगे, जबकि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता। सो हम आज बड़ी डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। ऑफ कोर्स हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट जो हैं हाफिज खालिद बट तो हमारे साथ हैं ही, नॉट एज अ ट्रेनर अ सेलिब्रिटी, बट द फैक्ट दैट ही इज मिस्टर पंजाब एंड एज मिस्टर पंजाब हमें प्रोविंशियली ये रिप्रेजेंट करते really, हैं और हमारे लिए बड़ा ऑनर है कि आज आपने अपने स्केड्यूल में से टाइम निकाला। सो इनके साथ ऑफ कोर्स हमारी जो फैमिली है, जो हम सब मिल के एक एफर्ट करते हैं आपको गाइड करने का, तो आज हम क्या खाना चाहिए वेट लूज करने के लिए, वो क्या चीज़ें हैं जो अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्या कोई वेट लॉस ऑयल्स हैं जो बॉडी पे लगाए जा सकते हैं, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ पे मैं आपसे सर सवाल करूँगी ऑल थ्रू द प्रोग्राम, आपने साथ रहना है कि ये चीज़ क्या हेल्पफुल रहती है, क्या मसाज हेल्पफुल होता है, इस पर भी एक डिबेट चल रही होती है, तो ये सब बातें होंगे। तो जब बात कर ही रहे हैं, एक हैंडसम यंग मैन हमारे साथ है, तो एक और हैंडसम बॉय को बुला लेते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम फैसल भाई, लेदर जैकेट। लेदर जैकेट, लेकिन आप ऑलवेज स्मार्ट पर्सनालिटी। थैंक यू सो मच। क्या करूं इनका, समझ नहीं आ रहा। बाय द वे, सबको कहा था कि जिम वेयर में आना, कोई नहीं आया जिम वेयर में। कोऑर्डिनेशन का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी जी, बचपन से। और मासूमा जहरा, जिन्होंने फ्लैट आउट रिफ्यूज किया कि मैं अजीब और वाहियात कपड़े नहीं पहन के आऊंगी, मासूमा जहरा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मासूमा? आपसे मैंने स्पेशली ये जानना है कि चाइनीज मेडिसिन में और एक्यूपंक्चर में क्या वेट लॉस का कोई तरीका है? डेफिनेटली, ये वी विल डिस्कस दिस। आयुर्वेदा में इन दोनों के अंदर बेस्ट रेमेडीज है इसके। और हमारी मुझे हर्बल चीज़ों के अंदर लाने वाली और गाइड करने वाली और हर लेवल पे सपोर्ट करने वाली, टू अ पॉइंट वेयर जब मैं कहती थी आप सबके, क्या ये आप हर्बल ते ऐते हो, छड्डो तुसी, मैं मतलब अच्छी भली आपको जब मार्केट में पैकेज वाली चीज़ बन मिल जाती है तो क्यों आप लें? तो खुद घर से पीस के नमक, लाल मिर्चे, हल्दी लेके आई, देसी घी का पराठा पहली दफा उन्होंने मुझे खुद खिलाया, मकई का आटा लेके आई कि जुगन अगर खानी है किसी किस्म की रोटी तो मकई की रोटी खा लो, सरसों का साग सीजन में खुद बना। बहुत ही बड़ा दिल और बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी मिसेस नैयर ज़िक्रिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। की हाल है दादा? थैंक यू। हमें पाल पाल के आप तंग नहीं आ जाती? सो आज हमारी ये जो एक फैमिली है आपको वेट लॉस से रिलेटेड गाइड करेगी। व्यूअर्स देखिए, आपकी चॉइस है आपने किस तरह का लगना है। अगर हम कहें कि आप अपनी पूरी अपीयरेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। लोग जाके फेस लिफ्ट्स करा रहे होते हैं, सर्जरी अपने मुंह की करा रहे होते हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, फिटनेस की तरफ जाएंगे, अच्छा खाएंगे, दुनिया की कोई सर्जरी नहीं है जो आपके शहर चकल पे वो रौनक लेके आएगी जो आती है एक हेल्दी लाइफस्टाइल से। वाओ, वेरी नाइस। ऑनेस्टली व्यूअर्स, मुझे पता ना कि जब मैंने एक्सरसाइज, मुझे जब बेड रेस्ट पे डाल दिया गया और बहुत से ऐसे मेडिकल कंडीशन से मैं गुजर रही थी, व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, मुझे 45 किलो चढ़ गया व्यूअर्स। मेरे लिए उठ के बाथरूम तक जाना एक अज़ियतनाक एक्सपीरियंस होता था। लेकिन लोगों ने पता है क्या सिर्फ नोट किया, हाय जुगन कितनी मोटी हो गई है। उसके पीछे जो एक आप कर्ब से गुजर रहे होते हैं, और हम सब इससे, अब आपके अलावा हम सब इससे गुजरे हैं, वेट गेन, वेट लॉस, स्ट्रगलिंग विद आवर वेट, और एक्सेप्ट करना फिर अपने आप को कि मेरी बॉडी टाइप भी एक सर्टेन किस्म की है। तो ये सब डिस्कशंस होंगी व्यूअर्स ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद जब टैलेंटेड सिंगर्स हमारे साथ हों तो फिर शायद किसी गाने से ही हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। तो सहेलियां दे विच किड्डी सोहणी लगदी, नी तो गिद्ध
दी ते जान कड़ दी दिल मेरा नहीं बस जी अख लगी तेरे नाल जद दी दिल मेरा नहीं बस जी अख लगी तेरे नाल जद दी बात है ब्रिलियंट बैठ जाओ सो जरा सुबह को हमने मजीद और खुशगवार किया. अच्छा भाई तो आपने नोटिस किया होगा व्यूअर्स कि जब भी आप जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं तो म्यूजिक हमेशा बैकग्राउंड में लगा होता है और जब बीट अच्छी हो तो उससे बहुत ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलती है. इसके पीछे क्या साइंस है? जब म्यूजिक अच्छा हो तो ट्रेनिंग में भी हेल्प मिलती है आपको. अच्छा. और आपके जो स्टेप्स हैं ट्रेनिंग के वो भी आप अच्छे करते हैं. तो म्यूजिक फास्ट होना चाहिए जो जिम ट्रैक है खास तौर पर, ना कि इंडियन सॉन्ग. क्यों? हाँ, और बात ये कि जो रोमांटिक सॉन्ग्स होते हैं ना उन पे जरा एक्सरसाइज करने से इतना करें. हाँ. क्योंकि आपके कदम भी उसी तरह ही उठते हैं. नहीं, उसमें ना फिर इंजरी होने के चांसेस भी होते हैं ना, क्योंकि आप तवज्जो कहीं और होती है. वो एक और भी प्रॉब्लम. अच्छा, सबसे पहले जो एक आपसे सवाल पूछना है जिससे हमें मिलेगी लीड बाकी सबसे बात करने की, ये बताइए मुझे सर कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है इस पूरी दुनिया में कि आज आपने कुछ खाया पिया या कुछ किया कि अगले दिन सुबह पतले उठे? बिल्कुल भी नहीं. 100% क्लियर है ये बात? नेवर एवर. नहीं हो सकता? ओके. तो फिर हम क्या करें? पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक आप मुंह पे जिप ना लगाएं. खाली पॉइंट ये है कि हम ये सोचें कि कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसा मसाज, कोई ऐसी ट्रेनिंग, हर चीज़ में आपको सबसे पहले मुंह पे जिप लगानी है. इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी डाइट को किस तरह कंट्रोल करते हैं, मॉडिफाई करते हैं. आप अपने डाइट में से वो सब चीज़ें, अगर आप ओबीस हैं तो इसका मतलब है आपकी जो प्लेट डेली बन रही है वो आपके लिए नहीं है. तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको जाना चाहिए. जहाँ तक आगे वेट रिडक्शन की बात या मैं वेट रिडक्शन जो कराती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले लेट सपोज अगर आपका टारगेट ही 5-6 kg है तो ज्वाइन जिम, वो भी वो सेकेंड करेंगे और फिर साथ में अपनी डाइट को कंट्रोल रखें. लेकिन जब आप ज़्यादा खा रहे हैं तो डेफिनेटली जिम जाएं. पॉइंट हम क्या करते हैं, इधर डाइट पे मुंह पे जिप लगा ली और अगले दिन ही जिम भी ज्वाइन कर लिया. आपके पास अगर वेट रिडक्शन के लिए 20-30 kg है जो आपने उतारना है तो पहले 15 kg मुंह पे जिप लगा के उतारें और फिर बीच में एक्सरसाइज को ऐड करें ताकि आपकी एनर्जी बहाल रहे और आपकी रिडक्शन तेज़ी से हो. क्योंकि आजकल वही होता है ना कि जी मार्च में हमारी शादी है और अभी हमें बस 20 kg कम करना है, ऐसे नहीं हो सकता. सो यू हैव टू डू डाइट एंड एक्सरसाइज. बट मैं अगर अपनी बात करूँ जो मैं पिछले 24 साल से करा रही हूँ, तो आई यूजली प्रेफर कि आप हाफ वे डाउन चले जाएं देन ऐड एक्सरसाइज ताकि आप उसको मेंटेन रख सकें. सही. इम्पॉर्टेंट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है और हम उन सबको डिस्कस करेंगे क्योंकि व्यूअर्स हर बंदे को डिफरेंट चीज सूट करती है. सो उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए. अब जिस स्टेज पे जैसे कि मैं हूँ, मैं वेट अपना मजीद कम करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू लूज अबाउट 10 kg बिकॉज दैट्स वेन आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. इसका ये, और जब मैं अच्छा महसूस करती हूँ
लोगों का क्या ओपिनियन, मैं इस पर नहीं जा रही, पर्सनली मैंने अपनी जात के साथ रहना है ना। लेकिन आपा ये भी तो होता है ना कि कुछ लोग, जैसे कि मुझे ये होता है कि जैसे ही मैं एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ मेरी भूख बढ़ जाती है। अब ये नफसियाती है या फिजिकल है ये अभी हमें आप ही बताएंगे, बट मतलब आप क्या कहती हैं वेट लॉस के बारे में? हाँ जी, जाहिर सी बात है कि जब आप एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बेटियां तो कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी अपने डाइट प्लान पे लगी हुई होती है और आप ही उनको बताती हैं कि ये करो ये करो ये करो। बिल्कुल, पर्सनली मैं भी, क्योंकि इतना लाइफ शेड्यूल जो है वो इतना टफ रहा कि अपने आप को जो है वो टाइम देने का चाहते भी थे लेकिन टाइम नहीं दे पाते थे। अब मैंने थोड़े से जो है आपके कुछ हेल्थ के इश्यूज भी तो ऐसे ही हुए थे ना, इसकी से अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 50% जो मेरी अभी फजूल की मैंने अपनी एक्टिविटीज बढ़ाई हुई थी उन्हें साइड पे किया, अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर किया कि अब मैंने अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दी। अब आपके अबाउट 10 किलोस कम हुए ना? हाँ जी, मेरा तकरीबन ऑलमोस्ट 10 किलोस आपके कम हुए। अच्छा, अब एक एक बात आपकी इजाजत से, व्यूअर्स ये बात याद रखिएगा कि जब हम लोग हेल्थ और फिटनेस और सब चीज़ों की बात करते हैं तो हेल्थ में मेडिकल कंडीशंस को भी कंसिडर करना होता है। कभी कभी एज ख़वातीन मर्द दोनों में कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से वेट गेन होता है। एक पॉइंट पे मुझे याद है कि मुझे स्टेरॉइड्स दिए जा रही थी अपनी कमर की दर्द के लिए, वेट मेरा बढ़ता जा रहा था और खुराक मेरी आधी की आधी थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे हो क्या रहा है। तो व्यूअर्स ये भी याद रखिएगा कि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो अपने जिस्म को टॉर्चर मत करें, उसका फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें डॉक्टर ट्रेनर और डाइटिशियन को मिला के। और अगर किसी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है मेडिकल कंडीशन, तो उस मसले का पहले हल ढूंढें, ना कि पागलों की तरह अपने आप को भूखा मारना शुरू कर दें। सेकंडली जुगन ये है कि अगर हम हमारी माइंड में हमारी नज़र में हेल्दी वो है जो लुक लाइक हेल्दी है, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करने की जरूरत है। वो तो मेकअप लगा के और टाइट टाइट कपड़े पहन के हर बंदा हेल्दी लग सकता है, अंदर से आपकी हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हों। उसके लिए जरूरी है, देखिए जो बंदा मॉर्निंग में उठता है सारा दिन काम करता है और थकता नहीं है वो हेल्दी है। अच्छा, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम स्लिम स्मार्ट बंदे को देख के कहते हैं ये हेल्दी नहीं है। अच्छा, जो मोटा बंदा हमें नजर आएगा ना, बड़ा खुश खुराक होगा, उसके चेहरे पर भी रौनक होगी, तो हम कहेंगे यार ये बंदा बहुत फिट है बहुत हेल्दी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा, हेल्दी होने के जो पैरामीटर्स हैं ना, हमने अपने हिसाब से बना लिए हुए हैं, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आप ये देखें कि हम, मेरा ख्याल है पिछले को 20-30 साल से हर बंदा डाइट के ऊपर कॉन्शियस हुआ हुआ है कि मैंने डाइट करनी है, मैंने क्रैश डाइट करनी है, कीटो डाइट करनी है, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। तो मैं ये कहता हूँ कि आखिर कब तक, अब इंटरमिटेंट फास्टिंग चलो आपने कर ली, एक महीना दो महीने आपने 18-18 घंटे नहीं खाया और 6 घंटे की आपने विंडो रखी अपने खाने की, एक्सट्रीम पे जाएं तो वो फिर ओमैड भी आ जाता है, 1 meal a day वाला जो सिस्टम है। तरीके बहुत से हैं व्यूअर्स, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो आप सारी ज़िंदगी कर सकते हैं? आपने लंबी रेस का घोड़ा बनना है या एक शॉर्ट स्प्रिंट मार के आपने अपना एक गोल तो अचीव कर लिया और उसकी प्रोसेस में 50 और मसाइल खड़े कर लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फैसल भाई से और ऑफकोर्स नैयर आपा से भी प्रॉपरली हमने अभी बात करनी है। और देखिए, सपोर्ट हमें ज़रूर मिल सकती है वेट कम करने के लिए, हम आपको ऐसी टीज ऐसे डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनको आप सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं अपना वेट कम करने के लिए। और स्पेशली आजकल जब शादी सीज़न है, और बाय द वे हाफिज़ साहब ने प्रॉमिस किया हमें कि हमें वो एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसके लिए हमें किसी इक्विपमेंट की, मतलब मैट की भी ज़रूरत नहीं है, आप घर में किसी कालीन पे कर लें। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक दो एक्सरसाइजेस बताएंगे और फिर अपनी डिफरेंट डिफरेंट जो हमने आज चीज़ें क्रिएट करनी है ऑन एयर वो हम करेंगे ब्रेक के बाद।
ओके सो व्यूअर्स वेलकम बैक. जो लोग पूछते हैं वजन कैसे कम किया, व्यूअर्स मेहनत करके किया, एक्सरसाइज करके किया. 45 किलोज एवं नहीं उतर जाते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसपे मेरे ख्याल से हाफिज साहब ने बड़ी मेहनत की है मेरे ऊपर. लेकिन हमारी अभी जर्नी एक्चुअली प्रॉपर स्टार्ट हो रही है. हाँ जी. वजन हमने काफी हद तक कम कर लिया, लेकिन अब हमने बॉडी को शेप में लेके आना है, बॉडी टोन अप करनी है. क्योंकि बात ये कि आप पतले हो जाएं, लेकिन आप बहुत स्लिम हैं, आपके साइड से लव हैंडल्स हैंग कर रहे हैं, या आप कपड़े पहनते हैं तो पीछे आपके रोल्स बन रहे होते हैं. किस किस को ये इश्यू है? आपके बिल्कुल फिटनेस है और यहाँ पे आर्मपिट्स के अंदर फैट है. 90% लेडीज का ये प्रॉब्लम है. और हिप्स लोअर बॉडी जो है कि सारा कुछ शेप में है और पीछे से हिप्स बहुत चौड़ी है. बिल्कुल. देखिए व्यूअर्स, हड्डी कितनी चौड़ी है हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम बॉडी को शेप में जरूर ला सकते हैं. जो फैट है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं. अच्छा, अभी हमने बेसिकली एक वार्म अप किया, राइट? बिल्कुल. पेट के मोटापे, ये वार्म अप था. और व्यूअर्स, कभी भी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बगैर आपने नहीं करनी. ये हम आपको एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं. और जब आपने अपनी एक्सरसाइज खत्म करनी है तो उसके बाद भी स्ट्रेचिंग करनी है. बिल्कुल. जिस तरह गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको कुछ मोमेंट देनी होते हैं गर्म होने के लिए, तो इसी तरह आपने बॉडी को भी वो करना है. अच्छा, अब पेट को कैसे कम करें? अच्छा, पेट कम करने के लिए आपको पेट की 4 मेन एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे तो आपका पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा. उसमें सबसे पहले हम करेंगे लेग रेजेस. हम इसको अपने बाजू जो है उसके नीचे रखेंगे. जी बिल्कुल. और हिप्स को हमने सिर्फ उतना उठाना है उसका, जो यानी प्रेशर जो है हमारी स्पाइन के ऊपर ना आए. बिल्कुल बिल्कुल. ब्रीथ आउट. ये आप नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है आपकी 15 to 20 होंगी, 15 to 20 ये हमने करनी है. और आप कितनी दफा करनी है? सेट्स ऑफ रेपिटेशन आपके जो है, नंबर ऑफ सेट्स जो है वो आपके 4 सेट होंगे. यानी कि 4 सेट टोटल आपने 60 दफा करना है. फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं. जी बिल्कुल. 15 15 15 के आपने 4 सेट करने. बिल्कुल. और उसके बाद हम करेंगे क्रंचेस. अच्छा, क्रंचेस का तरीका देख लें प्लीज व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अपनी आपने रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं डालना. ये आप देख रहे हैं लेग का एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और कहाँ तक ऊपर होना है, क्योंकि लोग तो पूरा यहाँ तक आ जाते हैं. बस जहाँ तक दिख रहा है, ये हम कर रहे हैं हाफ क्रंचेस. ठीक है, ठीक है. इसको आपने मैक्सिमम जाना है. नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है आपकी होनी चाहिए यानी 40 50, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगी. नहीं, जरूरी है कि आप 10 to 15 से स्टार्ट करेंगे, 50 पे जाके इसको फिनिश करेंगे. और कितने के सेट करने हैं? सेट आप 4 कर लें, 6 कर लें मैक्सिमम. और आप कोशिश करें इसको 30 सेकेंड और 1 मिनट तक इसको ना आप करते रहेंगे एक्सरसाइज. और तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है पेट कम करने के लिए? पेट कम करने के लिए देखें, ये जो है हमारी लेग्स जो है इसको हम यूँ करेंगे. अच्छा, ये पेट के साथ साथ आपकी कमर की भी एक्सरसाइज है और आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच भी देती है. स्ट्रेच भी देती है, बाजू को भी स्ट्रेच कर रही है, बैक को भी कर रही है, लेग्स को भी कर रही है. और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी कमर में कभी भी पेन नहीं निकलेगी. अच्छा, बाइसिकल क्रंचेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या वो साइड्स को हेल्प करते हैं उतना? नॉट रियली, इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. देखें, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आपका ये ऐसा नहीं कम होगा. और बाइसिकल क्रंच होता है, जब आप, मैं दिखाई देती हूँ आपको व्यूअर्स, बाइसिकल क्रंच बेसिकली ये होता है, राइट? इसमें आप ये कर रहे होते हैं. जी बिल्कुल. तो इसमें आपकी साइडों पे इतना स्ट्रेच नहीं आता. मैंने आज इसीलिए ऑन एयर करी, क्योंकि मैं यूट्यूब की भी वीडियोस बनाती हूँ अपने चैनल के और सारा कुछ करती हूँ. आज यहाँ पे तो हम लोग बेसिकली आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं. व्यूअर्स, अभी तक हमने कोई चीज ऐसी नहीं यूज की, इक्विपमेंट पड़ी हुई है, लेकिन हम इक्विपमेंट के बगैर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी हो. अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे. ब्रेक में जब वापस आएंगे तो नैयर आपा से गाइडेंस लेंगे कि वो आज हमें क्या बता रही हैं वेट लूज करने के लिए. और अभी हमने आपसे लोअर बॉडी को कम करने के लिए और बाजू कम करने के लिए भी करना है, सीखना है. तो ये होगा ब्रेक के बाद. She's out.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर फैसल, आपने कब से खाना बनाना शुरू कर दिया? ये हेल्दी चीज़ें तो मैं बताता रहता हूँ अमूमन, और बनाते भी रहते हैं। बनाता भी रहता हूँ, अपने यूट्यूब चैनल पे भी बताता रहता हूँ। अच्छा, आज हम मेरे पास है हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, ठीक है। हम इसको वेट लॉस की बात नहीं करते, इस वक्त हम कर रहे हैं हेल्दी, एक सेहतमंद नाश्ता जो बच्चों को भी दिया जा सकता है, बल्कि बच्चों को ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, और क्विक तैयार होने वाली चीज़ें, ठीक है, शुरू कर दें। यस सर। इसमें 2 चम्मच मैंने ओट्स लिए और उसको दूध में सोक कर दिया, ठीक है, तकरीबन आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए सोक कर दें। इसमें हम लेंगे 2 अंडे दलिये में। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें नमक, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें काली मिर्च। हाँ जी। इसको हम करेंगे बीट। हम क्या बना रहे हैं अभी, आप देखिएगा, ये पूरा आपका एक मील तैयार हो जाए। अच्छा, ये पैन नॉन स्टिक लेना है और हमने इसको हल्का सा बस ग्रीस किया है ऑयल के साथ, हमने कोई इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, ठीक है। लग नहीं रहा कि एक माँ अंडा फेंट रही है, ऐसे ही माँ अंडे फेंटती है ना स्पीडों से। अब इसमें डाल दीजिए ये अंडा। इसमें डाल दूं? हाँ जी, ठीक है। ये नमकीन डिश है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपका एक तरह से ऑमलेट बन रहा है, ओट्स ऑमलेट। ओट ऑमलेट, ओट ऑमलेट। इसमें आप चाहे बार्ले भी ले सकते हैं, ओट्स भी ले सकते हैं, जो मर्जी आप ले लें। ये आपका, और ये दूध में हमने क्योंकि सोक किया हुआ है तो एक वो वाला भी बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और इसको हमने करना ये है कि बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको ढक के पकाना। थोड़ा सा मैं नमक उसमें डाल रही हूँ क्योंकि जिन्होंने खाना है आगे से, जैसे कि नईमुल हसन हमारे प्रोड्यूसर है, तो वो शायद कबूल ना करें इसको। अच्छा, जब तक ये ऑमलेट हमारा तैयार हो रहा है, आपको एक निहार मुँह पीने के लिए ड्रिंक बता देता हूँ कि उसको हमने कैसे करना है। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है, बल्कि ये ड्रिंक ऐसा है कि आपको स्किन भी अच्छी हो जाएगी, बाल भी अच्छे हो जाएंगे, मल्टीपर्पज़ है। ये है मेरे पास ताज़े आमले, ठीक है। जब इसमें डाल दूं सारे? इसमें डाल दीजिए। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। कितना? हाँ बस काफ़ी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी 1-1 चुटकी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम इसको कर देंगे ब्लेंड, जो मेरी फेवरेट चीज है। अच्छा, आमला जब भी सीजन में हो तो जरूर खाइए, बेहतरीन। इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये आपके गट को भी अच्छा करता है, आपकी हेल्थ को भी अच्छा करता है, आपको नरिश भी करता है। और ये सुबह आपने निहार मुंह 40 डेज पीना है, अगर आपको कोई नुकसान नहीं देता तो खटाइए, ठीक है। अच्छा, इसे ये इसी तरह से रहेगा, इसको हम छान लेते हैं। अच्छा, छान लेते हैं। हाँ जी, इसको हम छान लेते हैं। और इसको हम छान के, छान के, ये आपका सुबह निहार मुंह आपने इस जूस को पीना। कितना पीना है ये? ये बस ग्लास तो नहीं, आधा गिलास, 2 घूंट, जिस तरह से ये बन गया, ठीक है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से प्रेस कर लें। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। ठीक है, ये आपका वेट लॉस ड्रिंक भी है और आपको जो है बहुत हेल्दी, ये बस इतना सा, ये क्वांटिटी आपने पीनी है। अमेजिंग, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अपनी डाइट, जैसे ये अभी आपको बताता हूँ कि इसको अभी जरा कोको होने देंगे, तब तक मैं जल्दी से व्यूअर्स जो लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं कोलगेट के अपने गिफ्ट हैम्पर्स के, तो जैसे कि आप जानते हैं कोलगेट एक मुकम्मल आपके दांतों की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल टूथपेस्ट है, और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके दांतों को बहुत ही मतलब खूबसूरत भी बना देते हैं, आपके सांसों में महक भी आ जाती है, आपके दांत मजबूत भी हो जाते हैं और प्रोटेक्टेड भी हो जाते हैं, तो हर चीज़ कवर हो जाती है। इसमें पर्ल पाउडर है जो दांतों को सफ़ेद बनाता है, उनको चमका देता है। लौंग है जो अगर आपके दांतों में कोई पेन है, दर्द है, तो उसको भी मैनेज कर देता है। ठंडा गर्म जो आपको ज़्यादा लगता है, उन लोगों के लिए भी कोलगेट स्पार्कल बेहतरीन टूथपेस्ट है। एंड देन फाइनली इसके अंदर है फ्लोराइड, और फ्लोराइड तो हम सबको ही पता है कि हमारे दांतों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट भी करता है और के साथ साथ उनको मजबूत भी बनाता है, यानी कि कैविटीज और कैरीज वगैरह आपको नहीं पड़ती। आइए वो तस्वीरें देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने ये अपने इस कोलगेट स्पार्कल के गिफ्ट हैम्पर का आपको वादा किया था, तो ये देख रहे हैं आप गिफ्ट हैम्पर। ये गिफ्ट हैम्पर आपको 2 लकी विनर्स को मिलेगा। आज हम अनाउंस करेंगे 2 लकी विनर्स, लेकिन 7,000 तस्वीरों में से ये 7 जो इमेजेस हैं आपके साथ मैं शेयर करना होंगी। सबसे पहले समिया हैं DHA से, कराची DHA से। आइए उनकी तस्वीर देखते हैं जो उन्होंने कोलगेट स्पार्कल की हमारे साथ शेयर की है।
वेरी वेरी क्यूट जमिया. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास तस्वीर है सादिया सफ्तर की रावल पिंडी से. और मैं शदके जाऊं मैं वारी जाऊं, सो क्यूट. अच्छा देन वी हैव अरमेश खान लाहौर से, उन्होंने भी हमारे साथ एक तस्वीर शेयर की है कोलगेट स्पार्कल के साथ. सो क्यूट अरमेश खान, यू आर वेरी क्यूट. अच्छा फिर उमर क्लिफ्टन कराची से, उमर क्लिफ्टन कराची से, वेरी वेरी क्यूट. अच्छा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे जो है, क्योंकि देखें ये दांत ब्रश करने की आदत बचपन में हमें पड़ती है और बचपन में डाली जाती है और उस स्टेज पे डाली जाती है जब पहला आपका दांत मुंह में बच्चे का निकलता है, तो तब से हमें दांतों को साफ करने की आदत डालनी चाहिए ताकि फिर बच्चे आके जाके खुद ही अपने दांतों को दिन में दो दफ़ा सुबह और रात को ज़रूर ब्रश करें, और अगर हो सके तो एक और दफ़ा भी दिन में कर लें अगर कोई दांतों में इशू आए उस दिन. अच्छा हुदा अब्दुल बिलाल लाहौर से, इन्होंने भी हमारे साथ शेयर की है एक तस्वीर. क्यूटी पाए माशाल्लाह. ओके एंड देन माहीन रहमान है लाहौर से, उन्होंने भी हमारे साथ तस्वीर शेयर की है, उनकी भी देखते हैं. मैं सदके जाऊँ टूथपेस्ट निकली हुई भी, कोलगेट स्पार्कल का पैक भी और टूथब्रश भी. एंड देन फिज़ा अली लाहौर से, ये हमारे 7 ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिनमें से हमने अब ये बाय द वे सबसे पहली फिज़ा अली की हमें तस्वीर आई थी जैसे ही हमने शेयर किया था. अच्छा अब इनमें से हमने दो लोग जो हैं उनको गिफ्ट हैम्पर देना है. एक तो अरमेश खान लाहौर से, बहुत ही क्यूट उनकी तस्वीर थी जो 3rd नंबर पे हमने आपके साथ शेयर की. दोनों अरमेश खान लाहौर से बहुत बहुत आपको मुबारक हो दांत ब्रश करते हुए विद कोलगेट स्पार्कल, इन्होंने हमें तस्वीर भेजी है. वेरी वेरी क्यूट माशाल्लाह. और सेकंड जो हमारे विनर हैं वो हमारे यंग मैन हैं उमर क्लिफ्टन कराची से. तो उमर फ्रॉम क्लिफ्टन कराची बहुत बहुत मुबारक हो, बाकायदा पॉइंट कर रहे हैं मॉडल स्टाइल और बता रहे हैं. सो बहुत बहुत मुबारक हो अरमेश खान लाहौर से और उमर फ्रॉम क्लिफ्टन कराची, आपको मिलेगा कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर. और आप लोगों ने भी ज़रूर कोलगेट स्पार्कल का इस्तेमाल करना है और हमें अपनी फीडबैक देनी है. सो थैंक यू सो मच. छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. अभी हमने आपको ब्रेकफास्ट बनाना सिखाया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट. हमने लंच भी बताना है, डिनर भी बताना है, और हमें बहुत ही ब्रिलियंट और फिनोमिनल डॉक्टर आयशा नासर हमारे साथ है, तो उनसे भी हमने बातचीत करनी है और उनसे जानना है कि वेट लॉस के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी क्या फीडबैक है ब्रेक के बाद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अंडे तैयार हैं और आयशा नासिर भी हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? अब ज्यादा खुशी अंडों की है या आयशा नासिर की, आप लोग फैसला करें. वेट लॉस पे बात कर रहे हैं हम, आप क्या कहेंगे? आपके पास हर बंदा आके कहता होगा जी बस एक हफ्ते में वजन कम करा. अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, डॉक्टर साहिबा का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 99% जोन सी टिप्स हैं वो वेट लॉस की पूरी. हाउ कम? क्योंकि मुझे पहले मैंने शुरू किया जनरल नॉलेज से, फिर मैंने रियलाइज़ किया लोग वेट लॉस और रंग गोरा करने के अलावा कुछ सुनना ही नहीं चाहते हमारे पास. रंग गोरा करना तो मेरी फील्ड में नहीं आता. स्किन अल्लाह का शुक्र है और हमने नहीं रंग गोरा करना लोगों को, हमने लोगों को अपनी स्किन में खुश रहना सिखाना है और उसको साफ सुथरा रखना सिखाना है. बिल्कुल. लेकिन फिर वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के अलावा जो वीडियो लगाओ जुगन चलती नहीं है. क्या करें क्या करें, फिर वेट लॉस ही होता है. पर ऐसा देखिए हर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो सकता. इट्स फिजिकली नॉट पॉसिबल. बॉडी टाइप्स डिफरेंट है. मतलब अगर आप अफ्रीका की साइड पे चले जाएं तो नेचुरली वाइड हिप्स एंड चौड़ी बॉडीज ज़्यादातर. पाकिस्तान में देखते हैं तो ख़वातीन की ज़्यादा कर्वी बॉडीज होती हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो टॉलर थोड़े से चौड़े बट मोर लीन बॉडीज. कुछ एक
हड्डियाँ भी तो होती है ना. एग्जैक्टली ऐसा ही है. और सबसे बड़ी जेनेटिक्स भी होती है इसमें आपकी बहुत. एग्जैक्टली आप हर वक्त बिल्कुल बिल्कुल जीरो फिगर पे नहीं रह सकते. हर वक्त नहीं रह सकते. बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं. वेट लॉस एक जर्नी है. इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे. आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो अच्छा रखना है और वेट को मेंटेन करते रहना है. अब 2 किलो बढ़ जाए उस पर बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना. और सबसे बढ़कर एक चीज़ समझनी है, वेट लॉस कॉमन सेंस नहीं है. ये एक साइंस है. ये एक साइंस है. लेकिन लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल जो आपको जिस वेट पे आप खुश हैं उससे आपका 2 किलो वेट बढ़ गया है तो ये एक अलामत है कि अपने आप को खींच लें. इस चीज़ का वेट ना करें कि आप 15 किलो गेन कर लें, क्योंकि 2 किलो कम करना आसान है, 15 किलो कम करना मुश्किल है. बिल्कुल ऐसे जितना मोटापा पुराना होता जाता है उतना उसको कम करना, उतना आप तंग भी आते जाते हैं ना कि हमारा तो हो ही नहीं सकता कम. और वेट रेगुलर बेसिस पे वही चीज़ जो पुरानी होने वक्त के साथ बेहतर हो जाती है वो है शौहर. जितना पुराना हो जाए शोहर उतना ही ज्यादा मयाली हो जाता है. सीख जाता है ना कि आपको किस तरह उसने बर्दाश्त करना है और आपने उसको किस तरह बर्दाश्त करना सीख लेना एक दूसरे को, उसके बाद खुश भी रह लेंगे. अच्छा तो आप हमें जो इन्होंने एक बड़ा मजे का ब्रेकफास्ट बताया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? गंदम से बेहतर मुझे ओट्स लगते हैं वेट लॉस के लिए. वैसे भी बाकायदा तौर पे अब यूरोप में ये चीज़ आ गई है कि ग्लूटन को जितना हो सके अवॉइड करो. बिल्कुल निकालो मत, लेकिन जितना हो सके अवॉइड करो. अब इसमें ओट्स डले हैं, ओट्स के साथ अंडा भी आ गया और साथ दूध का ग्लास भी आ गया. एक परफेक्ट ब्रेकफास्ट है. ब्रेकफास्ट में आपके पास हर फूड ग्रुप एटलीस्ट ज़रूर होना चाहिए. ब्रेकफास्ट का मतलब आप अपना रोज़ा तोड़ रहे हो, फास्ट को ब्रेक कर रहे हो. हेल्दी डाइट से करो और सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद होने चाहिए. इसके साथ अगर हम हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स भी रख लेते हैं तो ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा. और आटे की फॉर्म में हमारे पास जो है वो जई का आटा यानी कि ओट्स आ गए, अंडा आ गया, हमारे पास डेरी का सेक्शन आ गया, साथ में आप एक मुट्ठी जो है नट्स रख सकते हैं जी. अच्छा बिल्कुल. दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं. एक ये है किनवा, ठीक है? अगर अभी टाइम हुआ नहीं यार आपने अभी किचन में आना है तो ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाया जा सकता है, इस सैलड कैसे बनाई जा सकती है. बेहतरीन आपके पास ये ऑप्शन है कि आपने अपना वेट मैनेज भी करना है, कंट्रोल भी करना है और आपने फुल न्यूट्रिएंट्स लेने, तो मैं खाली किनवा से बेहतर इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं. ट्रू, लेकिन ये कैलोरी हाई है. मैं बहुत ज़्यादा किनवा इस्तेमाल करना शुरू हो गई थी एट वन पॉइंट एंड देन आई रियलाइज कि मैं बल्क अप हो रही थी. मैं मोटी नहीं हो रही थी बट मसल मास मेरा बहुत गेन हो रहा था. सो किनवा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको भी एतदाल के साथ. मैं जब डाइट प्लान देता हूँ और किनवा अगर ऐड करना होता है जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा भी है, तो इसको मैं हफ्ते में 2 दफ़ा कहता हूँ कि आपने ज़रूर इस्तेमाल. अच्छा इसको किस तरह इस्तेमाल करना? इसका तरीका ये है कि जितना ये है किनवा, इसको सबसे पहले तो ये कि 3-4 दफ़ा अच्छी तरह धोना है, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर सी होती है जो बहुत कड़वी होती है. उसको धो के जितना किनवा है इसका डबल पानी या स्टॉक कोई भी आप यखनी ले सकते हैं, चाहे चिकन की ले लें, वेजिटेबल्स की ले लें, इसका डबल आपने लेके उसको ढक के हल्की आँच पर पकाना है. ये एग्जैक्टली 14 से 15 मिनट में रेडी हो जाता है. ठीक है, ठीक है. जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर आप इसमें थोड़ी सी सीजनिंग कर लें, नमक की, काली मिर्च की, या अगर यखनी में सब चीज़ें डाली हुई हैं तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ थोड़े से आप फ्रूट्स डाल लें. इसके साथ सबसे मज़े का जो फ्रूट लगता है आपको भी अंदाज़ा होगा, अनार इसके साथ बहुत मज़े का लगता है. और दूसरा ये कि अखरोट को थोड़ा सा कैरमलाइज्ड कर लें, उसको क्रश करके इसके ऊपर डाल दें तो ये खट्टा मीठा सा एक जो कॉटेज चीज या फेटा चीज डालें तो बहुत ही मजे का होता है. बट अगर कॉटेज चीज भी आप डाल लें, पनीर जिसको हम कहते हैं, तो बड़े मजे का होता है. बहुत मजे का. आपके साथ प्रोग्राम का मजा ये आता है कि आप ये सब चीजें ट्राई भी करते हैं. नो बिकॉज़ आई मैं फूडी भी तो हूं ना. हां बिल्कुल. प्रॉब्लम ये कि फूडी हूं तो मैं कहती हूं कि भाई अगर डाइट भी करनी है, वजन भी कम करना है, तो फिर जो चीज खानी है वजन कम करने के लिए वो मजे की भी. मजे की भी. देखिए लोग कहते हैं कि खाना हमें सिर्फ इसलिए खाना चाहिए ना, हाफिज साहब तो यही कहते हैं कि खाना खाना जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए कि मतलब आप मतलब आपकी जिंदगी का गोल हो जाए. बट आई एक्चुअली लिव टू ईट, आई डोंट ईट टू लिव. मैं तो एक्चुअली खाने के लिए जीती हूँ और मैं प्लान कर रही होती हूँ कि अगली मेरी मील क्या है. अच्छा उसको खाते हुए सोच रही हूँ तो अगला क्या है. और यही माइंड सेट है जो हमें वजन कम करने से रोकता है. मैं बता रही हूँ ये मैं करती हूँ और ये नहीं हमें करना चाहिए. नहीं करना चाहिए बिल्कुल. आपका माइंड पहले से सेट होता है ना कि आपने ये चीज़ इतनी देर के बाद खानी है, तो फिर आपको क्रेविंग स्टार्ट हो जाए. अच्छा हमारे पास खजूर भी है, खजूर भी है, केले भी हैं. इसकी एक स्मूदी बनाते हैं. ये ओवरनाइट ओट्स को पका के रख लिया. ओट्स को बेहतर होता है कि ओवरनाइट पका के छोड़ दिया जाए. इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से रिलीज होते हैं. ठीक है, तो ये हमने ले लिया ओट्स. इसमें हम डाल लेंगे तकरीबन आधा गिलास के करीब दूध. इसमें हम डाल लेंगे एक केला और खजूरें डाल दीजिए. कितनी? 2 डाल देंगे बस, काफ़ी.
ठीक है, और वही डॉक्टर साहब एक बात कि अगर नट्स हैं, सीड्स हैं, तो वो इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। अंजीर बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है यकीनन। और इसके मीठा करने के लिए हमने खजूर डाल दी, अंजीर डाल दें या थोड़े से नट्स डाल दें, इसको ब्लेंड करके फिर हनी भी डाल दें, थोड़ी सी हनी डाल दें। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, मतलब मैं बच्चों को, मैंने आपको बताया था ना कल भी कि मैं इसी टाइप का ना एक दलिया इनको बना के देती हूँ, इसमें आपने और फिर आप साहब ने कहा कि अगर बादाम डालते हैं तो उसमें थोड़े से अखरोट भी डाल दें, तो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। इसका अभी आपको बना के फिर इसको ग्लास में सर्व करके दिखाते हैं। अमेजिंग, ऑसम। अच्छा, हमारे पास अगर वक्त है तो जल्दी से हम बाजू की एक्सरसाइजेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि बहुत सी खवातीन जो हैं वो कंप्लेन। अच्छा, लास्ट मिनट है तो व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम गाइडेंस लेंगे आप हिसाब से कि हम बाजुओं को, बहुत सी खवातीन इस एरिया के बारे में कंप्लेन करती हैं बल्कि, और इस तरह करके वेव करती है तो हाथ हिल रहा होता है और साथ में नीचे से वो बाजू नीचे से भी हेलो कह रहा होता है और ऊपर से भी। सॉरी, बहुत ज़रा हार्श पास कह रही हूँ, बट गर्ल्स यू नो मैं क्या कह रही हूँ। और इसका हल इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम उसकी तरफ भी जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स अभी नैयर आपा ने भी गाइड करना है। मासूमा मुझे डर्टी लुक्स दे रही है, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बाजुओं को कैसे कम करना है, आप में से कौन कौन इस वक्त जो स्क्रीन पे हमें देख रहा है वो सोच रहा है कि यार मैं ऐसे करती हूँ, हाथ से ज्यादा ये हिस्सा हिल रहा होता है, एंज 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 एंज, ये प्रॉब्लम होती है। बताती चलूं कि अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम है तो पीरियड्स के सेकंड डे पे FSH, LH, प्रोलैक्टिन, ये तीन टेस्ट जरूर कराएं। हार्मोनल इशू एक वजह हो सकता है, इसकी बहुत सारी वजह, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती है बिल्कुल स्लिम स्मार्ट होती हैं, खवातीन भी, और सिर्फ बाजू जो हैं वो लटके हुए होते हैं। एग्जैक्टली, और बाकायदा लटके हुए। अच्छा, वेट लॉस और एक्सरसाइज का आपके ख्याल से कितना अमल दखल है, क्योंकि आजकल सब कह रहे हैं 70% जो है वो डाइट है और सिर्फ 20% एक्सरसाइज है, तो क्यों एक्सरसाइज करें, ये भी तो एक बहाना बना। क्योंकि डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है, क्योंकि ये पॉइंट किसी बंदे को नहीं पता। हर बंदे को ये पता है कि हमारा अगर बॉडी वेट, बॉडी में कुछ कुछ जगह पे फैट ज़्यादा है तो उसकी वजह ये है कि हम क्या करें, हमारा तो कसूर नहीं है ना। अगर बाजू बड़े हैं या टांगें बड़ी हैं या हमारी हिप्स बड़े हैं, इसकी एक स्पेशली वजह ये है जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया, हार्मोनल चेंजेस जो है उसकी। लेकिन एक्सरसाइज एंड वेट लॉस कितना कनेक्टेड है, 70% देखने, वरना कैमरे वाले मुझे कहेंगे कि हमने आपकी चेहरा मुबारक नहीं दिखाया। मैं फिर कहूंगी 70% तो डाइट ही है और 30% एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज का रोल क्या है, जुगन मेरे पास कोई आके के मेरे बाजू ठीक कर दे, भाई डाइट आपको सर से पांव तक वेट लॉस कराएगी, कोई डाइट ऐसी नहीं है वो आपके बाजुओं से वेट रिड्यूस करे। डॉक्टर साहब, जो कार्डिक एक्सरसाइज जितनी भी है, जितनी भी आप वार्म अप करते हैं, वॉक करते हैं, वो टॉप टू बॉटम आपको कम करती है। बिल्कुल, लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने वेट लॉस किया, 50 किलो अपना वजन कम कर लिया, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज के साथ सपोर्ट नहीं ली, नहीं थी, तो जब वो 50 किलो वजन कम हुआ स्किन तो जब गई, वो स्किन लटक गई, लटक गई, बॉडी शेप में नहीं रहती। अच्छा, स्किन में झुर्रियां पड़ गई, मालिश, खूबसूरती खत्म हो गई। मालिश का क्या अमल दखल है, कुछ लोग कहते हैं कि मालिश भी साथ साथ कराओ तो अच्छा रहता है। मालिश करने का फायदा ये है कि आपकी बॉडी सॉफ्ट रहती है, ठीक है, जब आपकी बॉडी सॉफ्ट रहती है तो आपको एक्सरसाइज में इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। मालिश करवानी चाहिए वीक में 1 time कम से कम, उससे ये होता है कि आपकी बॉडी सारी जो है ना वो एक दफा सॉफ्ट हो जाती है। अच्छा, मैं मॉइस्चराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ, क्योंकि देखें स्ट्रेच मार्क्स क्यों पड़ते हैं, स्ट्रेच मार्क्स इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आपके सिस्टम के अंदर जो है वो मॉइस्चर बहुत कम हो गया, यानी कि जिसम में एक नमी होती है ना, वो मॉइस्चर आपकी स्किन में ऑयल्स वगैरह होते हैं, तो अगर आप मालिश नहीं भी करवाते तो एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 times फुल बॉडी के ऊपर ऑयल जरूर लगाएं, ऑयलिंग करवा लें, ताकि आपके वो जो स्ट्रेच मार्क्स वाला आंसर है थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि देखिए, आपने वजन कम कर लिया, आपकी बॉडी भी फिट हो गई, टोन भी हो गई, दोनों चीजें हो गई, लेकिन जिस्म लटक गया, स्किन लटक गई,
उसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये चीज हेल्प करती है। अच्छा बाजू कैसे काम करते हैं? ये खूबसूरती नहीं है, यानी खूबसूरती प्रोपोर्शन इज कॉल्ड ब्यूटी, तनासुब खूबसूरती कहलाती है। ना कि देखें ना, अमूमन खवातीन में आप देखेंगे उनका फेस आपको बहुत प्यारा लग रहा होगा, बॉडी जो है थोड़ी बल्की होती है तो वो प्यारी नहीं लगती, और बहुत पतली बॉडी और चेहरा जो है बिल्कुल ही, मतलब 22-23 साल की बच्ची के चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं बिकॉज फेस लटक गया। अच्छा अब बाजू की एक्सरसाइजेस बताएंगे, बहुत खवातीन की प्रॉब्लम। अच्छा बाजू की एक्सरसाइज में ना आप सिंपल घर में ना छोटे से डंबल रखें, अगर नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन अगर डंबल हो तो फिर बहुत अच्छा है। मैं आपको ये बात, आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास अगर मिनरल वाटर की 500 ml की बॉटल्स हैं वो भी चल सकती हैं, उनके अंदर आप पानी भर लें और उनको डंबल के तौर पे यूज कर लें, पानी भर के, खाली नहीं। अच्छा जो ख्वातीन जब ये बाजू की एक्सरसाइज करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मसल बना रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो फैट को रिड्यूस कर रही हैं अपनी बॉडी के साथ। ये है सिंगल डंबल है, इसका एंगल यूं आएगा, हैवी भारी है, तो की कर रहे हो भाई? हां आपके लिए मैंने बल्कि हैवी उठाए हैं क्योंकि आपके पास लाइट है। अच्छा ये सिंगल डंबल है, आप ये कर सकते हैं, इसकी नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो मिनिमम 15 होनी चाहिए ईच साइड, और उसके बाद आप यही डबल डंबल भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी जो आर्म के अंदर फैट्स हैं वो सारी डिसॉल्व होगी, रिड्यूस होगी। अच्छा लोग कहते हैं बड़ा सा बड़ा डंबल उठाओ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा मैं समझता हूँ कि ज़्यादा वेट अपनी बॉडी के हिसाब से उठाना चाहिए, यानी मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी जो ईगो है वो जिम के बाहर रख कर आएँ आप, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बंदा अगर फिट है तो वो कितनी जल्दी कैसे फिट होगा, तो हम उसके पीछे उसकी मेहनत नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं कि हमने वैसे फिट होना है। उसके लिए ज़रूरी है जब हम अपनी ईगो जिम के बाहर रख कर आएंगे ना तो फिर हमें इंजरी नहीं होगी। यस, और दूसरा ये है कि लाइट वेट से हमेशा ट्रेनिंग स्टार्ट करें। लाइट वेट का फ़ायदा ये है कि जब आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म अप होती है और लाइट वेट से आपकी बोन्स को, आपके मसल्स को जब आदत होती है वेट उठाने की, तो फिर इंजरी का चांसेस नहीं होता। अच्छा मुझे ये वाली एक्सरसाइज का बताएं, एक तो ये जो है। जी बिल्कुल, ये भी आर्म की एक्सरसाइज है। ठीक है ये, और ये साथ शोल्डर की भी एक्सरसाइज है। अच्छा आपके शोल्डर के ऊपर, यानी जो खवातीन की ब्यूटी बोन्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट, आप चाहती हैं कि ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो उसके लिए ये भी एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। ये ठीक है, ये शोल्डर भी है साथ वाले डोले, और आपकी लेकिन लड़कियों को। अच्छा लड़कियों के बनेंगे भी नहीं ये डोले। अरे ये मसल दिखाए ना आपने, एक तो हमारे व्यूअर्स को दिखाए ना, ये ऐ देखो मिस्टर पंजाब। अच्छा नहीं, मैंने अपनी तरफ से शोर मचा दिया, बाप आप लोग भी मचा देते, फिर थोड़ी इज्जत रह जाती, रह जाओ तुम, चुपचाप चुप करके बैठे रहो। अच्छा तो ये हो गया, तो एक तो आपने बताया ये सिंगल डबल, दूसरा आपने हमें ये बताया, और ये ऐदा की करें। अच्छा ये ना टोटल आर्म की एक्सरसाइज है, ये जहाँ पे फैट ज्यादा होगी वहाँ से खुद ही निकल जाएगी फैट। अच्छा। उसके लिए इस एरिया को स्पेशली हिट करने की जरूरत नहीं है ख्वातीन को, क्योंकि बॉयज को जरूरत होती है, क्योंकि हमने ट्राइसेप को निकालना होता है। तो आपको मसल नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बॉडी को टोन अप करना है और आपके स्किन के अंदर से जो फैट है उसको रिड्यूस करना, आपका पर्पज सिर्फ ये है। तो ये दो हो गई, और कोई तीसरी? हाँ देखिये, इसी ही एंगल में जब आप ये करेंगे तो डबल भी आप करेंगे इसको, पहले आपने सिंगल की है, सिंगल डबल किए हैं, अब आप इसको डबल कर रहे हैं, राइट? ठीक है और उसके बाद आप इसको दोबारा ये कर रहे हैं, ये शोल्डर की भी एक्सरसाइज है आपके, और साथ आपकी आर्म की भी एक्सरसाइज है। ठीक है ब्यूटी बोन की भी एक्सरसाइज है ये, बिल्कुल आपकी ना ये वाला जो एरिया जो ये खूबसूरत हो जाएगा, yes. इससे आपकी नेक भी प्यारी लगेगी। आम लड़कियों की देखिए ना, नेक थोड़ी लंबी होती है ना, स्लिम होती है, वो खूबसूरत लगती है, तो उसकी वजह भी एक ये भी है। अच्छा और ये बताइए कि हम ये कितनी दफा करें, कितने? अच्छा इसकी ना नंबर ऑफ रेपिटेशन जो है वो एक साइड की, ईच साइड जो है ना वो मिनिमम 10 होनी चाहिए, यानी कि 10 दफा आपने ये साइड की, 10 दफा ये की आपने, ये मिनिमम होनी चाहिए, और मैक्सिमम आप 20-25 तक, जहाँ तक लेके जा सके आप इसको लेके जा सकते हैं। और सेट कितने करने? सेट जो है ना वो 4 सेट काफी है, हाँ। यानी आपका टोटल कार्डियो जो है 20 मिनट का होना चाहिए। आप अपना एक टाइमर पास लगा लें कि 20 मिनट में आपने अपना कार्डियो कंप्लीट करना है, उसमें ये सारी एक्सरसाइज जो सुबह से मैंने आपको बताई है ना, 2-3-4-5 जो एक्सरसाइज बताई है। अच्छा कोई भी याद रखें, कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जब आपका वार्म अप अच्छा होगा तो आपकी ट्रेनिंग भी अच्छी होगी। वार्म अप पे चाहे आप 30 मिनट लगा दें, लेकिन जब आप वेट को हाथ लगाएंगे फिर आपको कभी भी इंजरी नहीं होगी। सही। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जिम जाते साथ ही सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम वेट उठाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं वेट हैवी लगा लें हम, क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट है ना, हमारे दिमाग में ये है कि हम जिम आए हैं कुछ करके जाएंगे हम।
बिल्कुल ये जरूरी नहीं करके जाने और वो क्या करके जाने उसकी हमें कोई टेंशन हाँ और ये हमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे sure. और अभी हमने लोअर बॉडी की भी आपको बतानी है कि जिनका ये वाला एरिया जो है थाइस और हिप्स जिनके बहुत चौड़े हो जाते हैं वो क्या कर सकते हैं और ऑफकोर्स हमें अभी नैयर आपा ने लंच हेल्दी लंच का ऑप्शन देना है और हमें मासूमा जहरा ने एक पूरा डाइट प्लान बताना है फ्रॉम एन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू जो आप यूज कर सकते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी काफी चीजें हमारे पास बाकी रहती हैं तो नैयर आपा आपके पास क्या आप बताने लगे हैं? हाँ, पहले मैं एक जो है ना वो सफूफ या फट्टी जो है या कहवा जो है वो बताऊंगी। जब आप लोग अभी जो बात हो रही थी कि वेट को लॉस करने की पहले जो एक ब्लॉटिंग होती है ना जो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी एक्स्ट्रा जो है वो इकट्ठा चेहरा जो है वो स्वेल हुआ हुआ है बॉडी स्वेल हुई हुई है तो उसके लिए जो है वो जुगन इसको मैंने तकरीबन कंटिन्यू जो है वो 3 मंथ यूज़ किया। इसके साथ जो मेरी पहले ब्लॉटिंग थी ना तो वो गई पानी से पानी सारा जिस्म सारा जिस्म। अच्छा इसके अंदर जो है वो जुगन मैंने लिया है ज़ीरा ये सब चीज़ें बराबर क्वांटिटी के अंदर लेनी है ज़ीरे को पीस लेना ज़ीरा काली मिर्च शक्कर हल्दी और सूखा अदरक यानी कि सिर्फ पानी वाली स्वेलिंग नहीं सिस्टम से निकलेगी बल्कि जिस्म की स्वेलिंग जो होती है जो आपके जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो हल्दी उसके साथ भी हाँ जी हाँ जी डाइजेशन इसके साथ तो ये जो है वो निहार मुँह आपने एक गर्म जो है वो पानी का जो है वो कप कर लेना है ओवन में रख के कर ले चूल्हे पर कर ले एक चाय की चम्मच इसको डाल के आप दम दे दें और 5 मिनट बाद जब ये नॉर्मल हो जाए तो आप सीप लेके इसको पिए और यही आप मसाले के तौर पे भी लगा सकते हैं अपने इसमें शक्कर है जुगन इसके अंदर शक्कर है और हल्दी थोड़ी सी ज्यादा है सूखा पानी हाँ जी बिल्कुल मजेदार हो जाएगा मेरे स्वीट एंड सॉर सा जो है वो एक टेस्ट उसका आ जाएगा क्योंकि काली मिर्च हल्दी ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़बरदस्त हैं तो इसके मुझे जुगन जो है वो बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद जो है वो जुगन मैंने जो है वो आफ्टर 3 मंथ मैंने मोरिंगा पाउडर क्योंकि जब आप मोरिंगा पाउडर लेना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़बरदस्ती पानी की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। आप पानी जो है वो चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हर आधे घंटे बाद आपका दिल करता है क्योंकि ये ड्राई करता है ये इसकी जो तासीर है वो खुश्क है तो मोरिंगा से जो है वो ये है कि मेरा स्टेमिना बूस्ट हुआ मैं रेडी इस चीज़ के लिए कि मैं जो है वो अब एक्सरसाइज वगैरह जो है वो कर सकती हूँ सुस्ती इसके साथ जो है ना वो मेरी खत्म। अच्छा अब लंच में क्या हमने खाना है? अच्छा लंच के अंदर नाश्ता जो है वो जुगन उसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा बता दूं डॉक्टर फैसल ने तो एक हेल्दी बताया मैं क्या करती हूँ 2 अंडे उसके अंदर आप ब्रोकली डाल लें उसके अंदर आप शिमला मिर्च डाल लें थोड़ा सा प्याज काट के डाल लें नमक काली मिर्च ऑलिव्स वगैरह डाल के उसके साथ एक प्लेट भर जाती है और आपका पेट भी भर जाता है। तो उसमें अगर बीच में आपको जो है वो भूख वगैरह लगती है एक या अमरूद ले लें या एक किन्नू ले लें या एक गाजर या एक खीरा बहुत सेब ले सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नहीं लेना थोड़ा लेना है ताकि आपको भूख नहीं लगने देनी। उसके बाद लंच के अंदर जो है वो आजकल फ़िश का सीज़न है और फ़िश जो है वो मेरी फेवरेट भी है तो इसको जो है वो फ्राई नहीं करना है। इसके ऊपर जो मैंने मसाले लगाए हुए हैं लेमन के अंदर आप दड़ा मिर्च ले लें अजवाइन ले लें और थोड़ा सी काली मिर्च और हल्का सा जो है वो नमक और थोड़ा सा जो है वो लेमन के अंदर इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा इसको जो है वो जुगन स्टीम के अंदर मैं करती हूँ या एयर फ्रायर है आपके पास एयर फ्रायर में कर लें मोस्टली मैं एयर फ्रायर में कर लेती हूँ नहीं तो जो है वो स्टीम इसको जो है वो आप इस तरीके से रख के पानी आप गर्म करें इसी के अंदर आप थोड़ी सी जो है वो वेजीज डाल दें जिसके अंदर जो है वो घिया कद्दू जो है वो बहुत बेस्ट रहता है थोड़ी सी आप गाजर थोड़ी सी इस तरह से जो भी सीजनल मटर वगैरह हैं वो आप डाल सकते हैं। ठीक है फिश अगर पसंद नहीं है तो आप चिकन को भी इसी तरह से मैरिनेट करके तो आप इसको इस तरह से जुगन आराम से जो है ना ये देखिए ये मिलते हैं ये स्टीमर आराम से जो है वो मिलते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम किस तरह से जो है वो स्टीम करें। आप भी मेरी तरह रॉकेट साइंस कहना शुरू हो गए मैं जैसे कहती थी इट्स नॉट रॉकेट साइंस इतना क्यूट लगता है कि आप और मैं एक दूसरे की तरह बोलना शुरू हो गए। हाँ जी क्योंकि होता है कि पता नहीं अभी हम स्टीम को किस तरह से करें क्या आटा छानने वाली जो छाननी है वो भी आप रख सकते हैं बिल्कुल ही अगर आपको बाजार से स्टील की आती है हाँ जी स्टील की आती है ठीक है इसके अंदर जो है वो आप इसको जो है वो हल्की सी आंच के ऊपर रख दें आधा पौना घंटा चिकन डालना है चिकन डाल लें फिश डाल दिए फिश डाल ले जो वेजेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं जैसे गाजर ज़्यादा टाइम लेती है कद्दू टाइम लेती
थोड़ा सा अच्छा, बट फिश को कम टाइम पकाना है हाँ और चिकन जो है वो लंबा पकेगा क्योंकि चिकन रॉ नहीं खाया जा सकता। फिश हल्की सी अगर रॉ हो भी जाए तो हाँ जी नहीं वो हाँ जी वो जूसी सी होती है वो अच्छी लगती है ठीक है। लेकिन फिश रिमेम्बर के ज्यादा लंबा स्टीम नहीं करना हाँ वरना वो सख्त हो जाता है। हाँ जी इसमें जो जो आपको सब्जियां जो है वो सीजनल पसंद हैं आपने आलू नहीं डालना इसके अंदर तो आप जो है वो इसको ढक दें तो आधा घंटा पानी यानी कि नीचे से ड्राई नहीं होना चाहिए नहीं तो वो फिर वो जलने की जो है वो स्मोक आ जाती है। हल्की सी आंच पे इसको पकने दें। आधे घंटे के बाद आपका जो है वो लंच रेडी है। बॉइल्ड राइस आप इसके साथ ले सकते हैं या ब्राउन ब्रेड लेकिन मैं कुछ नहीं लेती हूँ मैं इसी से जो है वो मेरा पेट जो है वो भर जाता है। जब आप इतनी टफ एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपका जहन जो है उस चीज़ के लिए रेडी होता है कि मैंने जैसे भी आप बात कर रहे थे कि जिप लगानी पड़ती है इनके साथ ये है कि पेट भी भर जाता है और जो है वो खाने की उस तरह से क्रेविंग नहीं। अच्छा यहाँ पे एक चार्ट बनाया है आपने बहुत ही अमेजिंग सा तो कुछ इसके रिलेटेड भी हमें गाइड करेंगे। और बाय द वे आपके तो बाकायदा ग्रुप्स है ना जब आप वेट लॉस करा रही होती है तो जिसकी जिस किस्म की बॉडी टाइप है ऐसा ही है ये वो तो आप मैं बिल्कुल मेरे जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होती है उसमें ये है कि फिर हम ग्रुप्स बना देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं मेरे मॉडरेटर्स हैं जो आपके साथ सुबह दोपहर शाम इन टच रहते हैं क्योंकि पता है मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है वेट लॉस की जर्नी के अंदर। जब तक आप मोटिवेटेड हो आप कर रहे हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने क्लाइंट्स के साथ सुबह दोपहर शाम इन टच रहूँ मैं उनकी प्लेट्स देखूँ। गलती बताना हम सब डॉक्टर्स का हर्बलिस्ट का जिम इंस्ट्रक्टर्स का हमारा काम है आपको गाइड करना। डॉक्टर आयशा आप भी अगर यहाँ आ जाते हो तो हम जो ये चार्ट बनाए इस पर आप अपनी हमें फीडबैक भी दे सकते हो ना अभी थोड़ा सा अगर इसको हमने मॉडल इधर आ जाओ मेरे पास मेरी जान। हाँ अब डाइट प्लान देखो हम क्या करते क्या ना जुगन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखा देखी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना। उसने कीटो किया है मैं भी कर लूँ अगर आप आपको पाइल्स हैं आप कीटो करोगे तो आपको वर्स हो सकती हैं फाइब्रोमाइल्जिया है या एंडोमेट्रोसिस है तो उसमें कीटो आपको वर्स सिचुएशन में लेके जा सकती है। एक्सपर्ट्स हैं जिनसे आप राबता कर सकते हैं और वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से बट ये बिल्कुल अगर आपको कोई ट्राइडोशिक है जिसको हम कहते हैं ना ट्राइडोशिक या जनरल डाइट प्लान है जिसको 1000 से 1200 कैलोरीज के बीच में रहें और आप इजीली 5 to 7 kg रिडक्शन अपनी कर सकते हैं घर पे। और जैसे कि हाफिज साहब ने हमारे साथ शेयर पहले भी किया है और आज भी हमारे साथ कर रहे थे कि 5 से 6 मील्स दिन में अगर आप छोटी मात्रा में लेंगे तो आपका वेट लॉस अच्छा होगा तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मजीद मतलब ट्रेनिंग भी आपकी फिर इनसे बिल्कुल हो जाती है। अच्छा जी यहाँ पे कि प्री ब्रेकफास्ट आपको एक कोई ना कोई ऐसी चीज लेनी चाहिए जो आपके मेटाबोलिज्म को फास्ट करे जीरा जो सबसे अच्छा है ट्राइडोशिक की जैसे बात करते हैं ये किसी भी बॉडी टाइप के साथ जा सकती है किसी भी कंडीशन में यानी हम बहुत ज़्यादा अगर सिनेमन भी लेने लग गए ना तो वो क्या करेगी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। लेकिन जीरा सफ़ेद ट्राइडोशिक है तो 1 टीस्पून जीरा सफ़ेद 1 कप गर्म पानी ऊपर डाल दीजिए उसको ढक दीजिए थोड़ी देर के बाद 1/2 लेमन और हनी डाल के आप वो इस्तेमाल करें और ये रेगुलर बेसिस पे कोई भी कर सकता है इवन कि कार्डिक पेशेंट भी कर सकते हैं और किसी भी तरह से। फिर ब्रेकफास्ट में आ जाएं तो आप थोड़े थोड़े मील्स को जैसे हाफिज साहब ने भी कहा आप पार्टेडली इसको लो जितना थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे उतना ही आप अपने भूख को कंट्रोल कर सकते हो। सो 2 उबले अंडों की सफ़ेदी सफ़ेदी पे मैं जोर दूंगी कि वो आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक अंडे हों कोशिश करें कि ब्रॉयलर मुर्गी ना हो प्लीज़ ऑर्गेनिक अंडों का इस्तेमाल करें ताकि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं उसकी प्रॉपर अफादियत ले लें। 1 कप चाय का पी लें कॉफ़ी का इस्तेमाल कम करें हमारे रीजन हमारे सीज़न की नहीं है तो प्लीज़ वो जो कहते हैं ना ब्लैक कॉफ़ी पी ली ब्लैक टी पी ली आपने चाय पीनी एक अच्छी चाय पियो ताकि सारा दिन आपकी क्रेविंग ऑफ टी ख़त्म रहे। 10 बजे के करीब यानी आप ये देखो 2-2 घंटे के बाद सब कुछ है 10 बजे के करीब कोई भी सीजनल फ्रूट अब सीजनल फ्रूट में कोशिश करें कि एप्पल गुआवा या पीच में से कोई मिल जाए तो बेहतर है। मेरे ट्राइडोशिक जब हम बात करते हैं आपकी बॉडी टाइप की तो कोई भी खट्टी चीज़ को ड्यूरिंग वेट लॉस अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नहीं लेना चाहिए ज़्यादा बिकॉज वो आपके अंदर ड्राइनेस कॉज करेगी क्योंकि रिडक्शन वेट रिडक्शन के बीच में ऑलरेडी बॉडी ड्राइनेस की तरफ जा रही होती है तो कोई भी सिट्रस ज़्यादा नहीं लेना सवाए सुबह लेमन के। फिर आ गया लंच टाइम में 2 शामी कबाब 2 खीरे या इसके साथ 100 ग्राम्स किसी किस्म का मीट और सीजनल सैलड। अब सीजनल सैलड की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे वो इतना भर के बोल उन सैलड्स का खाया जाता है कि जिनके साथ कार्ब्स ज़्यादा चली गई हैं तो कोशिश करें कि जो आपकी कीटो डाइट में जितनी भी सब्जियाँ हैं जिसमें ब्रोकली है खीरा है केल है स्पिनिच है आप उनकी बना लें सैलड को। 5 बजे
5 आमंड्स और 3 वॉलनट्स. हम आम जो बादाम है वो हमेशा छिलका उतार के इस्तेमाल करें. कोशिश करें सुबह उठते साथ ही इसको भिगो दें, क्योंकि फिर अगेन मैं बार बार कहूँगी वेट रिडक्शन में बॉडी को ड्राइनेस से बचाना है. जब हम ड्राइनेस से बचाएंगे तो बादाम की तासीर भिगोने के बाद चेंज हो जाती है, वो आपको फायदा देगी, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी. फिर मैं अपनी फिट टी देती हूँ. आपकी फिट टी की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी इजीली मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है, आपकी मेरी क्लिनिक पे अवेलेबल, आपके क्लिनिक पे अवेलेबल है, सो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं कल्बिश के थ्रू. और अगर ये नहीं भी है तो आप कोई भी अजवाइन ले लें. अजवाइन 1 चुटकी, जीरा सफ़ेद 1 चुटकी, तेज़पात 1 पत्ता, उसका कहवा बना के कर लें इस्तेमाल. फिर वही बात कि ट्राई डोशी की हम ऐसी बात कर रहे हैं कि जिसमें आपकी ड्राइनेस नहीं बढ़नी चाहिए. अच्छा, ब्रेक की तरफ जाने जल्दी से हमें बताने. ओके, डिनर टाइम में 1 आधी चपाती रेगुलर, जो आप घर पे रोटी बनती है, या अगर आपके पास आमंड फ्लोर, कोकोनट और वीट फ्लावर है तो उसकी 1 चपाती फुल ले सकते हैं. उसके साथ दाल और सब्जी. कोशिश करें रात को मीट का इस्तेमाल ना करें, गोश्त दोपहर में करें ताकि वो डाइजेस्ट अच्छा हो जाए. 10 बजे के करीब 1 कप दूध का लाजमी पिए. इट्स बेटर टू टेक गोल्डन मिल्क. अगर नी जॉइंट की पेन है, बैक पेन है, या कोई भी मेडिकल, हाँ, हल्दी वाला दूध लें. और सबसे इम्पॉर्टेंट, डाइट आपका 20% है, 80% आपका पानी है. अगर आप पानी नहीं पी रहे तो डाइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज जाने की करने की ज़रूरत नहीं है. ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन. तो आप सब व्यूअर्स, हम सब की एक ये मुत्तफिका कंबाइंड राय है कि ये अगर आप फॉलो करेंगे 1000 से 1200 कैलोरीज तो इंशाल्लाह वेट लॉस होगा, और इसमें आपकी फल सब्जियां भी इंक्लूडेड हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे क्योंकि फाइनल एक्सरसाइज भी बतानी है. I'm on your floor, she's out the door. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. अगर आप चाहते हैं कि आप ये एन फ्रेंच का एब्सोल्युटली अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर जीतें जिसमें बहुत सी मज़े मज़े की चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली आपको हमारी एक जो हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है आप लोगों के लिए स्पेशली, 03209463502 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एक शॉर्ट सी वीडियो. कुछ वीडियोस हमारे पास आई हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बट कुछ और वीडियोस भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो मज़ा आएगा. फिर उसमें से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कौन विनर्स हैं जो जीतेंगे एन फ्रेंच की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर. एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके बालों को, आपके गैर ज़रूरी बालों को बहुत जेंटली और इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देता है विद इन 3 to 6 मिनट्स, और उसके साथ साथ आपकी स्किन को सिल्की सॉफ्ट छोड़ता है. खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी है, रोज़ का इसके अंदर फ्रेग्रेंस है. उसके साथ इसके अंदर बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर्स हैं जो आपकी स्किन को ऐसी सॉफ्टनेस देते हैं कि वो लिटरली बेबी सॉफ्ट हो जाती है. एक वीडियो दिखाऊंगी आपको, जिस किस्म की वीडियो आपने हमारे साथ शेयर करनी है, आइए देखिए. Time softer and smooth. Wow! Kaun sa salon? Bye bye salon, hello and French. जी हाँ, बाय बाय सैलॉन, हेलो एंड फ्रेंच आपने कहना है, और हमें वीडियो बना के भेज देनी है, और हम आपको डेफिनेटली एन फ्रेंच की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर देंगे. अच्छा व्यूअर्स, इसके साथ जो एक आपसे कमिटमेंट की थी, आइए उस कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि लोअर बॉडी को हमने कैसे कम करना है. हाफिज साहब, कहाँ है आप? मैं आ गया. मैं आ गया. ये मेरे बेटे का बड़ा फेवरेट सॉन्ग है. वो फर्क बात है कि वो कहता है लो मैं आ गया, मैं कहती चल बेटा तू ना आएगा, तेरी भी माँ वाली आवाज है. अच्छा एक बात, बाय द वे व्यूअर्स, आप लोगों को याद कराना चाहूँगी, खैर याद क्या कराना चाहूँगी, सबको ही पता है कि कल 25 दिसंबर है. तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हमारे जो क्रिश्चियन भाई बहन हैं उन सबको हम मेरी क्रिसमस कहना चाहेंगे. एक कुछ कहते हैं ना, एक बिग डे जिसको सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं. व्यूअर्स, आप अगर दूसरों की खुशी में शामिल होते हैं तो उससे आपकी खुशी में कमी नहीं हो जाती. सो दूसरों की खुशियों में भी शामिल हों. जैसे हम जब ईद मनाते हैं तो हमारी क्रिश्चियन भाई बहन कम्युनिटी हमें ईद मुबारक कहते हैं, हमें विश करते हैं. और देखें, हज़रत ईसा हमारे लिए
बहुत काबिल एहतराम और वो भी हमारे नबी हैं। सो हमने एक रिस्पेक्ट और रिगार्ड के साथ इस दिन को गुजारना है। और जहाँ पे हम 25 दिसंबर की बात करते हैं, वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना फादर ऑफ आवर नेशन का भी शुक्रिया अदा करना बनता है कि आज अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। सो ऑफ कोर्स 25 दिसंबर का दिन बहुत ही स्पेशल और यूनिक डे है। क्रिसमस के साथ साथ ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और ख़ूबसूरत दिन है। सो कल का दिन अच्छे पॉजिटिव अंदाज में गुजारिएगा, और आपके इर्द गिर्द अगर क्रिश्चियन आपके कोई भी भाई बहन हैं तो उनको ज़रूर विश कीजिएगा, उनकी खुशी में इजाफा कीजिएगा। और जिनके घर में क्रिश्चियन स्टाफ है, मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि जहाँ ईद पर आप सबको कुछ ना कुछ देते हैं तो इस मौके पे उनको मत भूलें, और उनकी खुशी में उनका भी हिस्सा बने और अपना छोटा सा हिस्सा डाल दें, कोई छोटा गिफ्ट दे दें, कोई चीज़ दे दें, ताकि उनकी खुशी भी बढ़ जाए और वो रियलाइज़ करें कि आप भी उनकी खुशी को रिकग्नाइज़ करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल एंड में हमारी जो पूरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बट आपने हमें बताना है कि लोअर बॉडी, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसको जल्दी से हम कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा, लोअर बॉडी के 2-3 एक्सरसाइज हैं, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि जैसे पहले हमने हाई नी रेजिस करके दिखाई आपको, ऐसे वाली, ठीक है, फिर आपको बटक की दिखाई हमने, ये वाली, हाँ, ये किक्स जो है, किक्स जो है बटक की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आप ये डोंकी किक्स भी कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, जिस तरह प्लैंक ऑलमोस्ट पोजीशन होती है लेकिन उसमें हिप आपकी थोड़ी सी वाइड होती है, एक तो ये हो गया, इससे हमारी हिप्स जो हैं, और ये आपकी जो फैट की स्टोरेज है, ये जो बैग पे फैट स्टोर हो गई थी हमारी ख्वातीन की, यहाँ पे, हाँ। ये बिल्कुल, ये इससे बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगी। और एक और एक्सरसाइज बता दें, एक और एक्सरसाइज। अच्छा, उसमें ये जो मैंने आपको गुड मॉर्निंग बताई थी ना, वो सबसे परफेक्ट एक्सरसाइज और सबसे ईजी एक्सरसाइज है, ये देखिए, ये यस, ये वाली, ये वाली, यस। अच्छा, जो ये करने से ना आपकी कमर बिल्कुल उसके ऊपर से फैट उड़ जाएगी और आपकी कमर शेप अप हो जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, और एक आखिरी चीज जो जरा मुश्किल है, लेकिन वो जो स्क्वाट होल्ड होता है, हाँ, मैं बताता हूँ स्क्वाट, ये देखिए ना, ये आप शोल्डर पे हाथ रख सकती हैं, ठीक है, बाजू यूं, ये आपने पूरा डाउन जाना है, इससे आपकी थाइज में भी फर्क आएगा, बैक ऑफ द थाई में भी आएगा, आपकी हिप्स भी शेप अप होंगी इससे ना। थैंक यू सो मच हाफिज साहब, टाइम खत्म हो गया है जिंदगी का नहीं लेकिन आज के शो का, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मंडे को फिर मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आज हमारे शो का हिस्सा थी, नैयर आपा, डॉक्टर आयशा, मासूमा जी, डॉक्टर फैसल और हमारा प्यारा साटे की बैग शुजा। हाँ, नहीं, आपको क्यों मैं शुक्रिया कहूँ, आप मेरे साथ ही खड़े हैं, चले, थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस वर्किंग विद यू। और स्क्वाट होल्ड के साथ ही हम अपने शो को क्लोज करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, और जाए एक्सरसाइज करें।